हेलो, वेलकम टू माय चैनल संधि रसन ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज दिन है 1 जनवरी का। तो मैं आज सोच रहा था कि आज आपको क्या रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो गाजर की खेती होती है वो हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो गाजर के प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं। वहाँ तक जाने के लिए मतलब मुझे इधर से जाना पड़ेगा। वो आप पीछे देख सकते हैं, ये वाले जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं, ये गाजर के प्लांट्स हैं। मैं आपको वहाँ पास जाके दिखाता हूँ। तो मैं सोच रहा था आज की मैं क्या वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो यहाँ पर मुझे दो चीज़ें दिखी जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलती, काफ़ी रेयर होती हैं। कि गाजर के जैसे काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, जो शहर में रहते हैं, जो सिटी में रहते हैं, उन्होंने नहीं देखा होगा कि जो गाजर के प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। ये कुछ इस तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें से मैं एक गाजर निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली कौन से वाले गाजर हैं, ये जो गाजर होते हैं वो ये देसी गाजर है। एक होते हैं पर्पल टाइप के, पर्पल कलर के, वायलेट कलर के, और दूसरे जो रेड वाले हम नॉर्मली खाते हैं। तो ये जो देसी गाजर है, इसका शायद कलर ये पर्पल वाले हैं। और ये साइज़ में ज़्यादा ये बड़े नहीं होते, मतलब छोटे ही रहते हैं, लेकिन मीठे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक निकाल के बैक कैमरे से। तो दोस्तों, आप ये देखिए, ये इतनी सी दूर में ये गाजर लगाया हुआ है। मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ इसका पौधा किस तरीके का होता है। आप देख सकते हैं पास से, ऐसा जो गाजर होता है इसकी जड़ में होगा। मैं कुछ इसमें से एक बड़ा प्लांट देखता हूँ। वैसे अभी छोटे हैं तो इसमें गाजर मतलब इतने बड़े नहीं होंगे, जैसे मैंने पहले बताया। एक तो मतलब इसे प्रॉपर अभी उगने में, मतलब प्रॉपर अपने बड़ा होने में इसको 1 महीना और लगेगा। अभी इसमें छोटे छोटे गाजर होंगे, और वैसे भी देसी गाजर होते हैं तो इसका साइज़ छोटा ही रहता है। मैं इसमें से कोई बड़ा पौधा देखता हूँ और वो आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसमें मुझे लगता है कि अच्छे से हो गया होगा। अभी एक निकाल के देखता हूँ, ये रहा है। बहुत नीचे तक है, सॉरी टूट गया। ये देखता हूँ, इसमें ये गाजर निकला है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे ले जाकर। आगे जाकर दिखाता हूँ आपको, इसको धोकर दिखाऊंगा कि ये कैसा है। लेकर जा रहा हूँ मैं इसे हैंडपंप के पास। तो इसको मैं साफ़ करके दिखाता हूँ कैसे। देखिए, ये ऐसे प्लांट है इसका, गाजर का। तो इसका ये ऐसी पत्तियाँ हैं। इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ साफ़ करके कि किस कलर का है। तो फ्रेंड्स, इस गाजर को मैंने साफ़ कर लिया है। देखिए आप, इस तरीके का ये ऐसा है, इतना बड़ा। मैंने पत्ते अभी हटाए नहीं ताकि आपको पता चले ये कैसा था। ये ऐसा है, और इसका कलर आप देख सकते हैं पर्पल है। पास से देखिए, थोड़ा पर्पल टाइप का रहता है। सामने में ये पर्पल लग रहा है, वीडियो में ये थोड़ा सा अलग कलर का लग रहा है। सामने से ये पर्पल है, नीचे से हल्का सा रेड है, मतलब दूसरा ये। तो देख सकते हैं आप, ये अलग है बाकी सबसे। और इसको मैं टेस्ट करके देखता हूँ। इसका जो टेस्ट रहता है वो नॉर्मल गाजर से थोड़ा अलग रहता है, उससे अच्छा कहूँगा, मतलब उससे अच्छा रहता है, देसी बना रहता है इसमें। और मीठा भी हल्का सा अलग रहता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। जो बाहर हम सिटी में खाते हैं वो अलग तरीके का होता है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है मिर्ची का, जो यहाँ पर एक पौधा देखा मैंने। खा लेता हूँ मैं इसे, खा के फिर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, गाजर खा के मैंने कर दिया ख़त्म। दूसरी चीज़, जैसे मैं बता रहा था आपको, मिर्ची दिखाता हूँ। गोल मिर्ची मतलब राउंड रहती है, उसका टेस्ट भी अलग रहता है, बीज भी अलग रहता है। आपको जाकर दिखाता हूँ अंदर वो कैसे हैं। मतलब जो चीज़ें आपको नॉर्मली सिटीज़ में बाहर या नहीं देखने को मिलती, मैं वो चीज़ें इसमें कवर कर रहा हूँ, दिखाता हूँ। कलर भी इसका थोड़ा सा अलग है, यहाँ से देखिए किस टाइप की मिर्ची है ये। थोड़ा सा बैठ के दिखाता हूँ,
ये देखिए आप, ये दूसरे, मैं बैक कैमरे से आपको अच्छे से दिखाता हूँ इसे। तो देखिए ये मिर्ची का प्लांट ऐसा, आपने ऐसी मिर्ची नहीं देखी होगी पहले, ये गोल होती है खाने में, मतलब ये देख लीजिए, इस पर फोकस बनाता हूँ अभी मैं। हाँ ये देखिए, ये ऊपर से कैसे पर्पल टाइप है और नीचे से ग्रीन है, और ये गोल टाइप की होती हैं, और भी हैं बहुत सारी हैं मतलब इस पौधे में लगी हुई मिर्ची, बहुत सारी मिर्ची हैं, और इसका टेस्ट भी अलग होता है, खाने में भी अलग होता है। और ये मतलब ये जो है ये इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, गोल ही रहती है, और इसके बीच में पूरा बीज रहता है, पूरा इसके अंदर बीज भरा रहता है, और मतलब आप एक मिर्ची नहीं खा पाएंगे इसकी। तो ये कुछ अलग चीज़ें थी गांव की जो मुझे लगा कि आपको दिखाऊं। देख सकते हैं आप, मैं दिखा रहा हूँ हर एक एंगल से, बहुत लग रखी है ये। नॉर्मली हम देखते हैं कि मतलब हम नहीं देख पाते इन चीज़ों को, ये देखिए। तो बस यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था। साइड में फिर से ये देख सकते हैं आप, सरसों के खेत हैं। एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ, ये सरसों नहीं बोलते इसे, यहाँ पर तोड़ी बोलते हैं। सरसों जो होता है वो खाने वाला होता है, जो तोड़ी होता है जिससे तेल निकलता है, मस्टर्ड ऑयल, वो ये होता है। मतलब दोनों में अलग अलग होते हैं। सरसों जो हम खाने में यूज़ करते हैं पीले रंग का होता है, और इसे कहते हैं तोड़ी। इसके जो बीज होते हैं वो येलो, सॉरी तोड़ी के जो बीज होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये कुछ गांव में आके पता चला ये सब बात। तो आता हूँ मैं फ्रंट कैमरे पर, करते हैं थोड़ी सी बात। तो फ्रेंड, जो मैंने आपको मिर्ची का पौधा दिखाया वो ये रहा था, ये वाला। और आगे चलते हैं, दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा रास्ता कैसा है इधर का। इस रास्ते से जा रहा हूँ, और जो मैंने वो गाजर दिखाया था वो उधर है आगे, बस जस्ट वो पीछे, वो जो हरा सा दिख रहा है आपको ये वाला, उसमें से मैंने गाजर उखाड़ा था। मैं फटाफट इसलिए गया था क्योंकि वो जो गाजर का ये पौधा है वो हमारा नहीं है, वो किसी और का है। तो मैंने फटाफट आपको दिखाने के लिए उखाड़ा और मतलब जाके धो लिया और खा लिया, इसलिए मैं फटाफट जा रहा था उस वक्त, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो चार बातें सुनाएगा, इसलिए चोरी करके खाया था। बस आज ये मेरा यहाँ पर लास्ट दिन है यहाँ का, ये बिहार का ये आज लास्ट व्लॉग है। 2 तारीख 3 तारीख को हमारी टिकट था, तो हम वापस चंडीगढ़ चले जाएंगे। और थोड़ा सा मैं ये जगह कवर कर लेता हूँ कैसा है। ये देखिए आप, वो सूरज ढल रहा है, सनसेट हो रहा है, और ये जो आप ये देख रहे हैं ये नहर है, इसमें 2 या 3 दिन में पानी आ जाएगा, ये अभी सूख रखा है। तो जो पानी इसमें आता है वो नेपाल से आता है, नेपाल से जब पानी वो छोड़ते हैं तो इसमें पानी आता है। ये घर के बगल में ही नहर है, घर हमारे पीछे हैं आप देख सकते हैं, वो वाले मतलब वहीं पर हमारे घर है, वो येलो वाला। और ये बस वो रहा घर, और ये पीछे ये बस बगल में ये नहर है। तो आप सोच रहे होंगे कि कहीं पानी वगैरह आ जाता होगा हमारे घर के पास, तो ऐसा नहीं होता इसमें प्रॉपर, ये अगर पानी ज़्यादा आ जाता है तो प्रॉपर निकलने के लिए बना रखे हैं। वो आप देख सकते हैं, वो हल्का सा दिखाता हूँ मैं, वो दिख रहा होगा आपको, वो बन रखा है। तो जब भी पानी ज़्यादा आता है तो ये सारा पानी नहर में चले जाता है आगे, वो उस साइड आप दूर तक देख सकते हो। देखिए आपको पीछे, वहाँ पर पीछे वो पानी दिख रहा होगा, वो यहाँ पर पहले लॉकडाउन के टाइम में लगभग जुलाई अगस्त के टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, तो फसल ख़राब हो गई थी, और पानी जो इकट्ठा हुआ था वो अब तक पानी इकट्ठा है। तो ऐसा सा कुछ है, ये बच्चे खेल रहे हैं अभी इसमें, इनका सारा खेलना 2-3 दिन में चौपट हो जाएगा, क्योंकि नहर में पानी आ जाएगा ऊपर तक, पानी के साथ काफ़ी मछलियाँ आएंगी और काफ़ी चीज़ें होंगी। तो खैर फिशिंग वगैरह की तो वीडियो में आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर फ़िशिंग भी करते हैं गांव में, मतलब प्रॉपर होता है। आप ये देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर सीढ़ियाँ, यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, ये सीढ़ियाँ दिख रही होगी आपको, वहाँ पर बैठ के फ़िशिंग करते हैं। और मैं जो खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ ये ऐसे, ये नहर है, इसको दोनों तरफ से सीमेंट से पक्का करा हुआ है, देख सकते हैं। तो बाकी जो मैं वीडियोस बनाऊंगा ये बिहार की, जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि ये यहाँ की लास्ट वीडियो है, तो मैं जो बाकी वीडियोस बनाऊंगा वो होगी हमारे, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे वो चंडीगढ़ की होगी, सॉरी हाँ चंडीगढ़ की वीडियो होने से पहले जब मैं ट्रैवल करूँगा यहाँ से, जब जाऊँगा तो ट्रेन में थोड़ी सी वीडियो बना दूँगा, कि जैसे वापस उधर से यहाँ आते टाइम मैंने बनाया था चंडीगढ़ टू मुजफ्फरपुर, तो यहाँ से वापस वीडियो बनाऊँगा मुजफ्फरपुर टू चंडीगढ़ वाली वीडियो,
तो उसमें थोड़ा सा ट्रेन में बैठ के बातें करेंगे। इस बार ही टिकट हमें मिल नहीं रही थी तो बड़ी मुश्किल से एक एसी टिकट बुक किया है, एसी ट्रेन का टिकट। तो उसकी थोड़ा सा अंदर सा रिव्यू दूंगा कि इस टाइम लॉकडाउन के टाइम में ट्रेन वगैरह जो है वो कैसी चल रही है। जैसे हाँ, यहाँ से क्लियर आ रही है, सनसेट हो रहा है, सनसेट का टाइम गाँव में मतलब ऐसे बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, मैं इस पर क्लियर फोकस करता हूँ, ये देखिए, इसलिए ऐसा सा इतना मस्त क्लियर फोटो आ रहा है, वीडियो क्लियर आ रही है। तो लास्ट वीडियो वहीं की होगी। अब ये मैंने सोचा था बस यही दो चीज़ें देखी थी, एक तो गाजर और दूसरा सोचा था, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था वीडियो बनाने का। लगभग लास्ट वीडियो मैंने पब्लिश करी थी 20 दिसंबर को और ये आज मेरे को हो गया 1 जनवरी। काफ़ी दिन से सोच रहा था वीडियो बनाने का, ये दो चीज़ें कवर करूँ जो मुझे लगी कि दिखा देते हैं, दिखानी चाहिए, नहीं पता रहता, नहीं देखा होता काफ़ी ने, मैंने भी नहीं देखा था ऐसी गोल मिर्ची और गाजर तो नहीं देखा था, क्योंकि हम अक्सर जब गाँव आते थे तो वो हम गर्मी के टाइम में आते थे और इस बार हम ठंडी के टाइम में आए तो ये सारी फसलें वगैरह देखने को हमें मिल रही हैं। तो बच्चे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे वो खेल रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप पीछे देखें, मैं इधर दिखाता हूँ, वहाँ पर भी पानी है, इसमें कवर हो जाए ना हो थोड़ा सा, यहाँ देखिए वहाँ पर लास्ट में हाथ उंगली इतनी बड़ी दिख रही है, वहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा पानी, क्योंकि वहाँ पर गड्ढा है तो वहाँ पर पानी जमा है, अच्छे से देख नहीं पाया वहाँ लास्ट में जब जा रहा है आगे, वहाँ पानी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी होगी ट्रेन वाली, ट्रेन में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर बाकी चल के बात करेंगे पहुँच के, घर पहुँच के। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाय।